जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी है। वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि वो पैसे भरकर देश को छोड़कर भाग गए। वहीं दोस्तों तालिबान ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति भवन जो है अफगानिस्तान का उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 20 साल की लड़ाई के बाद उन्होंने फिर से यानी देश के ऊपर कब्जा किया। 20 साल काफ़ी साल लड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। दोस्तों जब से तालिबान ने कब्जा किया है जब से वहाँ से वीडियो तस्वीरें बहुत ही भयानक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इल्ज़ाम भी ये लग रहा है कि तालिबान के ऊपर कि अब तालिबान की सरकार आ गई है तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चिंता करने वाली बात है कि महिलाओं को वो काम करने नहीं देगा, उन्हें पढ़ने नहीं देगा, पर तालिबान इसके ऊपर कुछ और बोल रहा है। वहीं दोस्तों तालिबान ने जब से काबुल के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है तो भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी उसने कुछ बयान दिए। क्या बयान दिए वो मैं आपको पढ़कर आगे बताता हूँ। स्क्रीन पर देखिए पूरी यानी खबर क्या है चल रहा है अफगानिस्तान में, वो आपको पढ़कर बताता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान पर युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा तालिबान लड़ाकों के राजधानी काबुल में राष्ट्रपति के महल में घुसने के बाद की गई। रविवार 15 अगस्त को इस्लामिक आतंकवादी के शहर में दाखिल होने के साथ ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश में खून खराबा ना हो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नई सरकार की सुगबुगाहट के बीच तालिबान देश में शांति और दुनिया से अच्छे संबंधों की बात करने लगा है। महिलाओं को लेकर क्या कहना है तालिबान का वो स्क्रीन पर देखिए। जब से तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान में पांव परसना शुरू किए जब से ज़्यादा चिंता महिलाओं को लेकर जताई जा रही है। तालिबान हमेशा से महिलाओं को लेकर काफ़ी सख्त शरिया कानून लागू करने का हिमायती रहा है। इनमें उनके पहनावे से लेकर काम न करने के नियम तक शामिल है। काबुल में तालिबान के कब्जे वाले दिन यानी 15 अगस्त को एयर इंडिया की एक फ्लाइट 129 लोगों को काबुल से दिल्ली लेकर आई। दिल्ली पहुंची एक महिला ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हमारे दोस्त मारे जाएंगे, तालिबान हमें मार डालेगा, हमारी महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों महिलाएं भले ही अफगानिस्तान में अपनी हिफाजत को लेकर चिंता जता रही हों लेकिन तालिबान महिलाओं को नौकरी की इजाज़त देने की बात कर रहा है। तालिबान प्रवक्ता जेबुल्ला मुजाहिद ने इंडिया टुडे टीवी से कहा है कि महिलाओं को शरिया नियम कानून को मानते हुए काम करने की इजाज़त होगी, बच्चों को भी पढ़ाई की इजाज़त मिलनी चाहिए और अफगानिस्तान में बेहतर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों ये अफगानिस्तान के जो तालिबान के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा है कि शरिया कानून के हिसाब से महिला को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं अफगानिस्तान में शिक्षा को भी ज़रूरी है कि शिक्षा अच्छी हो, इसलिए अफगानिस्तान में हम शिक्षा अच्छी करेंगे। वहीं दोस्तों भारत के ऊपर तालिबान का क्या कहना है वो स्क्रीन पर देखिए। भारत के बारे में क्या कहना है, भारत में भी तालिबान से निपटने को लेकर दुविधा बनी हुई है। भारत अपने लोगों को काबुल से बाहर निकालने के साथ अपने निवेश को लेकर भी चिंतित है। तालिबान प्रवक्ता से जब इंडिया टुडे टीवी ने भारत से उनके संबंधों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा है कि हम भारत सहित सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पहले हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे लेकिन हम बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं जब उनसे कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं और तालिबान पाकिस्तान के करीब है तो तालिबान प्रवक्ता जेबुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच के मसले उन्हें खुद निपटाने हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते। अफगानिस्तान दोनों देशों से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमारे कई लोगों के लिए दूसरे घर की तरह है। कई अफगान पाकिस्तान में रहते हैं और हम किसी भी तरह के दोषारोपण में नहीं पड़ना चाहते, हम बस सभी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो दोस्तों तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहा है कि भारत से हमारे पहले तो रिश्ते अच्छे नहीं रहे पर हम अब चाहते हैं कि भारत के से हमारे रिश्ते सुधरें और अच्छे रहें। वहीं उनसे पूछा गया क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि जबकि भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते अच्छे नहीं उन्हें खुद निपटाने होंगे, पर हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते। भारत पाकिस्तान से हम पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे रहे, हमारा पड़ोसी देश हो, हमारे देश के लोगों का दूसरा घर पाकिस्तान है, इसलिए हमारे रिश्ते उससे अच्छे हैं, और भारत पाकिस्तान से हम दोनों देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और सभी देशों से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। दोस्तों अब कहने में और करने में कितना फ़र्क है ये आने वाला टाइम बताएगा। चलिए आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट में कृपया जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।